लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। जाओ बेटा, ये नारियल और फूल चौकट पे रख देना और भगवान को हाथ जोड़ना। जाओ जाओ। देखो, अंदर मत जाना। क्यों? इसलिए कि हम अछूत हैं। अछूत क्या है माँ? जैसे हम हैं, हमारी छाया किसी पर नहीं पड़नी चाहिए। ऊंची जाति के लोगों से हमेशा दूर रहकर बातें करनी चाहिए। मंदिर में नहीं आना चाहिए, भगवान को नहीं छूना चाहिए। हमारे छूने से भगवान नाराज हो जाएंगे। हाँ बेटा, जा जल्दी से फूल नारियल चढ़ा के आ। तुम तो जानते हो अंतर्यामी, मैंने मन्नत मानी थी कि मेरा बेटा 5 साल का हो जाने के बाद उसके हाथों तुम्हें फूल नारियल चढ़ाऊंगी। मेरा देश तुम्हारे चरणों में है, उसकी रक्षा करना प्रभु। तुम तो बहुत अच्छे हो भगवान, तुमने अपने पास आने से रुका नहीं। वाली है मालिक, ये अछूत है अछूत। राधे श्याम राधे श्याम, कल मुहि ने सारे मंदिर को भ्रष्ट कर दिया। इसकी ये हिम्मत कि मंदिर के अंदर चली आई। राधा बल्लभ का मुकुट चुराने आई होगी। नहीं मालिक नहीं, मैं भगवान को फूल नारियल चढ़ाने आई थी। ये नादान फूल से मंदिर में चला गया। फूल से मंदिर में चला गया, इस दुष्ट के अभी से लक्ष्य आगे चलकर क्या करेगा। आगे चलकर ये पापियों का उद्धार करेगा। आत्मानंद, तुमने इसे क्यों बचाया? मेरी नजरों में ये भी एक इंसान है। क्या अपराध किया इस निर्दोष बालक ने? ये दुष्ट अछूत है, इसने मंदिर को अपवित्र कर दिया है। शबरी के जूठे बैर खाने से भगवान राम तो अपवित्र नहीं हुए थे, फिर इसके यहाँ आने से मंदिर कैसे अपवित्र हो सकता है? वो भगवान है, हम इंसान हैं। आत्मानंद, तुमने संसार का त्याग किया था कुछ पाने के लिए, लेकिन तुम्हारे पास जो कुछ भी था वो भी गवा बैठे। जिसे तुम गवाना कहते हो उसे मैं पाना समझता हूँ। गवाया तो तुम लोगों ने प्यार को, दया को, भाईचारे को। 100 घर की भिक्षा खाने से तुम्हारी मति मारी गई है आत्मानंद, इसलिए तुम नीचों का पक्ष ले रहे हो। मैं नीचों का नहीं, मनुष्यता का पक्ष ले रहा हूँ पुजारी जी। नीच धर्म से नहीं कर्म से होता है। आत्मानंद, भगवान के बनाए हुए सिद्धांतों को तुम झूठा नहीं कर सकते, उसी ने ऊंच और नीच बनाए हैं। ये भगवान के नहीं, तुम लोगों के बनाए हुए झूठे सिद्धांत। याद रखो, इनकी और तुम्हारी रगों में एक जैसा खून है। खून की बूंदों में से कौन सी ऊंची जात का है और कौन सी नीची जात का है ये कोई नहीं बता सकता, बल्कि दूध और पानी की तरह अलग करके दिखाया जा सकता है। उसके लिए हंसों का गुड़ चाहिए, तुम्हारे जैसे कौवे की कांव कांव नहीं। समझे? समझा, परंतु जो मैंने समझा है वो आप लोग नहीं समझ रहे। जो आप लोग नहीं समझ रहे, समय उसे एक दिन अवश्य समझाएगा। वो दिन कभी नहीं आएगा। आएगा और अवश्य आएगा, अगर संत ज्ञानेश्वर भैंसे के मुंह से वेद बुलवा सकते हैं तो मैं भी इस बालक को वेद पढ़ाऊंगा। आओ बालक, वेद पढ़ाऊंगा। वेद पूछे ना कोई। क्यों पंडित जी? हरि को ठाकुर
जी चाहता है तुम पर फूलों की बरसात कर दूं। हाय, फूलों के बदले जूते बरसाता है उल्लू का पट्टा। अबे ठहर तो। आपको बुखार पिताजी? मेरा सिक्की औलाद। अच्छा था कुछ औलाद। चल। घर को कोठा बना रखा। जब देखो गाना बजाना, जब देखो गाना बजाना। पिताजी, दूसरों को कोड़े मार मार कर रुलाने से गाना बजाना कहीं अच्छा है। अरे मूर्ख, आप राज करने के लिए पैदा हुए। अच्छा, एक बार तलवार हाथ में उठा फिर देख दुनिया तेरे सामने कैसे झुकती। आप नहीं जानते पिताजी, मृदंग पर जब बाएं हाथ की थाप पड़ती है तो सारा संसार झूमता हुआ दिखाई देता है। बड़ा घोर आनंद आता है, घोर आनंद। और जरा एक बार क्रिकेट था बजा के देखिए। चूल्हे में जला दो उस मृदंग को, फिर से मैं इसकी शक्ल न देखूं। पिताजी, इसी ने बजाने को कहा था। हाय राम, मैंने कहा था पिताजी, रात भर ये उछल उछल कर तांडव नृत्य करते रहे, एक चार पाई भी तोड़ डाली। पिताजी, आप मुझे मेरे मेके भी गिरा दीजिए। क्यों झूठ मूठ के टिसुए बहा रही है भागवान? बहु, आंसू पोंछ डालो, पोंछ डालो आंसू बहु, मैं इसे भी ठीक करता हूँ। चल चल, अबे गधी, उसके बाप ने 5 गांव दहेज में दिए थे, अगर वो चली गई तो लाखों का नुकसान हो जाएगा। सोने की चिड़िया है, सोने की चिड़िया, 15 गांव और है, वो भी हमारे हो जाएंगे, फुसला कर रखना। लगता तो, अरे अपना सर रखता है। सुन, चला कहाँ? याद रख, दोबारा कभी तुझे मृदंग बजाते हुए या उसकी आंखों में आंसू बहते हुए देखा तो फटे जूतों से मार मार कर तेरा सर गंजा कर दूंगा। क्या उसे क्षमा मांग कर? लोग रहते काम कुछ अच्छे भी रहते हैं। आपकी तरह मैं आप कौन हैं? मैं
अनाथ हूँ, अपने मामा के पास रहने के लिए आई। कौन है आपके मामा? कल्लू। कल्लू? क्यों? आप चौंक क्यों गए? ऐसे ही, मुझे खुशी है कि हमारी तुम्हारी जात एक है। आपका नाम क्या है? जैना। और तुम्हारा? मेरा रूपा। रूपा? हाँ। अच्छा मैं चलती हूँ, बड़ी देर हो गई है। सुनो मैं पहुंचा दूं? नहीं मैं अकेली चली जाऊंगी। फिर किसी बदमाश ने पीछा किया तो मैं आपको पुकारूंगी।